Realme की तरफ से बड़े बड़े एक्साइटिंग डब्बे आ गए हैं। ये Realme का पहला लैपटॉप है, उसमें एक चीज ऊपर ऊपर लिख रखी है स्लिप, बट लैपटॉप एक निकाला डब्बे तीन भेजे, कुछ तो अंदर का सच है जो हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले चीज ये वाला येलो वाला डब्बा है, येलो इंटरेस्टिंग फेलो। ओह माय गॉड, Realme बुक, क्या तोड़ के दिखाएं, कोई तोड़ के दिखाते हैं यार, मजा आएगा। दोस्तों Realme ने बोला है, हम कैसे ना सुने। इसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट डब्बे के ऊपर। ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो साइड में Realme बुक लिखा है, और डेफिनेटली काफी इनोवेटिव सा लैपटॉप है Realme की तरफ से। लैपटॉप है तो हल्का, बट काफी ज्यादा हल्का लग रहा है। चार्जर तो भारी होगा, कुछ मिसिंग सा लग रहा है, बाकी सब कुछ भूले हो ना भूले हो, क्विक स्टार्ट गाइड तो भाई हमारे पास आ गई है। मजाक के बाद साइड में वो ऑफिशियल पैकेजिंग है, अगर आप खरीदते हो लैपटॉप को, ये हमको भेजी गई है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें, इसमें थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है एक स्किन दे रखी साइड में, बट सबसे ज्यादा हम एक्साइटेड हैं इस वाले लैपटॉप के लिए। ये भी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है यार, इसके अंदर ही नहीं है ये लैपटॉप, ये भारी तो लग रहा है। स्क्रू खोल के तो निकालना, वेब अनबॉक्सिंग करने के लिए चक्कू या स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए पड़ेंगे। डीजे राजेश इलेक्ट्रीशियन राजेश बन गए, बताओ। दोस्तों अगर इसके अंदर नहीं है मतलब हमारी वीडियो लेट जा रही होगी, आपको पहले ही पता है। खोल के देखते हैं, वो काफी हल्का सा यार, और क्या दे रखा है, पावर बैंक है तो काफी तगड़ा है। इसकी लुक वुक ना येलो कलर भाई, 30 वॉट का डार्क चार्जर है भाई, पता नहीं क्यों भेजा भाई एक्स्ट्रा गुडीज है हमको, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी यूएसबी टाइप सी केबल, ये छोटा सा चार्जर और यूएसबी सी केबल एक्चुअल एक लैपटॉप का चार्जर है, जो डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग है। ये वाला चार्जर एक्चुअली मैकबुक का है, और ये रियलमी वाला इससे भी छोटा है। ये एक्चुअल काफी सिमिलर है एक मोबाइल वाले चार्जर से, 45 वॉट का हो सकता है भाई, हम इसको एक्चुअली अपने मोबाइल वाले चार्जर से भी चार्ज कर रहे हैं। फाइनली ये है Realme बुक वाली, खोल लेंगे भाई। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी, ये बहुत ही ज्यादा हल्की है, मैं मतलब दो उंगलियों से इसको ऐसे पकड़ के होल्ड कर सकता हूँ, और बिल्कुल मजाक नहीं, अभी तक का सबसे लाइट विंडोज लैपटॉप है जो हमने ट्राई करा। अगर मैं एकदम साइड से दिखाऊं तो ये बहुत ही ज्यादा पतला है। अगर कंपैरिजन के लिए बताऊं तो भाई यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट लगा है, और ये यूएसबी पोर्ट ऑलमोस्ट इस लैपटॉप की थिकनेस के जितना है, और ये वाला सबसे ज्यादा मोटा पार्ट है इस लैपटॉप का, एकदम एज पे बहुत ही ज्यादा पतला है। और दूसरी साइड पे दो यूएसबी पोर्ट्स हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड पे एक रियलमी लोगो लगा रखा है, और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो रही है क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंट है जितने भी हमने विंडोज लैपटॉप ट्राई करे उनसे। बट अब सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक पावर बटन है जो एक्चुअली एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, उसके साथ साथ एक पूरा बैकलिट कीबोर्ड है, और जो टच पैड भी है वो भी काफी हद तक बड़ा है। और ये वाला एरिया मेरे को थोड़े से प्लेन देख के काफी अच्छा लग रहा है, जितने भी स्टिकर्स हैं वो नीचे की साइड लगा रखे हैं, डीटीएस लगा हुआ, विंडोज का लगा हुआ। ये वाला पूरा लैपटॉप मेटालिक है बैक साइड में भी फ्रंट में भी, और एक काफी हल्का और ड्यूरेबल फील हो रहा है। वैसे ऑल्दो थोड़ा सा कीबोर्ड फ्लेक्स है अगर आप उंगली से प्रेस करोगे, और थोड़ा सा लिड में भी वॉबल है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पे कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं है जो इतनी तगड़ी डिजाइन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस वाले लैपटॉप को देख के दोस्तों कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा होगा बैक साइड से भी फ्रंट से भी। इस साइड पे मैकबुक एयर 13 इंच रखा है, और ये वाला रियलमी बुक है, और डब्बे की डिजाइन हो, फिर उसके बाद लैपटॉप की डिजाइन हो, ट्रैक पैड की डिजाइन, एक्चुअल पोर्ट्स की डिजाइन, इवन चार्जर की डिजाइन, एप्पल वालों ने रियलमी की चुरा ली है। डेफिनेटली काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, जैसे यहाँ पे जो हुक भी है वो भी काफी सिमिलर है, उसके बाद ये जो हिंज भी है ओपन खुलने वाला ये भी काफी हद तक सिमिलर है, कीबोर्ड है मैकबुक का फिर इस वाली का, ये काफी सिमिलर है, बट कुछ चीजों में ये लैपटॉप एक्चुअली बेटर भी है। सबसे पहली चीज ये जो मैकबुक एयर है ये इससे भी हल्का है, उसकी जो बेजल्स हैं साइड में टॉप पे वो डेफिनेटली मैकबुक से काफी ज्यादा छोटी हैं। ये एकदम सीरियसली बताऊं, अगर एक ऐसी चीज क्रिएट हो रही है जो तो कॉपी है बट काफी तगड़ी चीज की कॉपी है और काफी कम प्राइस पे आपको देखने मिल रहे, तो हमको उससे बिल्कुल दिक्कत नहीं, एक्चुअली काफी तगड़ा है कि भाई रियलमी ये सारी चीजें एक विंडोज के लैपटॉप में कर पाया। इसमें एक चीज और अगर आप नोटिस करो, ये वाला जो छोटा छेद है ये एक्चुअली कैमरे का है भाई, कैमरे पे ट्राई करके देखेंगे, वो तो एकदम ही एपिक लेवल क्वालिटी का नहीं है, बट इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी है। छोटी सी लाइट जल रही है आपको बता रही है कि एक्चुअल कैमरा ऑन है। सबसे पहली चीज जो इस वाले लैपटॉप आप नोटिस करोगे वो है इसकी स्क्रीन। इस वाले लैपटॉप में 2K डिस्प्ले है, जिन लोगों को नहीं पता 2K, ये 1080p से ऑलमोस्ट डबल बेटर रहता है, और खाली रेजोल्यूशन की बात नहीं, जो कलर्स है जो क्लैरिटी वो काफी अच्छी, क्योंकि sRGB डिस्प्ले वैसे ऑल्दो काफी सिमिलर है मैकबुक से, बट काफी सारी चीजें जैसे वो ट्रैक पैड है वो एक प्लास्टिक का ट्रैक पैड है, तो उसके साथ साथ जो मेटल पूरा फ्रेम है वो एग्जैक्टली एप्पल वाली क्वालिटी का तो नहीं है। ऑल्दो जो लैपटॉप है वो 14 इंच लैपटॉप है, बट भाई साइज इसका एक 13 इंच लैपटॉप के बराबर आप समझ सकते हो, काफी हद तक जो मैकबुक 13 इंच है उससे सिमिलर सा है। यूजुअली होता क्या है कि थोड़े बजट एंड जो ऐसे
लैपटॉप्स होते हैं उसमें स्क्रीन में डेफिनेटली काफी कॉम्प्रोमाइज करा जाता है। उसकी वजह से मतलब आप जब यूज करोगे तो क्लियरली चीजें नहीं दिखती या फिर कलर थोड़े फेडेड होते हैं या सर में दर्द होने लगता है यूज करते टाइम। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिस्प्ले एकदम ही टॉप क्लास है। बट एक चीज टॉप क्लास नहीं है, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें i3 11th जन प्रोसेसर है। विदान से भी ओपिनियन जान लेते हैं, विदान भाई कैसा लगा? एक चीज फील हुई कि इस प्राइस पे डेफिनेटली बेटर प्रोसेसर मिल सकते हैं, बट स्टिल यार महंगा लग रहा है। कितने का है? आराम से होगा 60-70 हजार का। कलर मस्त लग रहा है, एक हाथ से खुल भी जाता है, हिंज भी इतना ज्यादा खुल पा रहा है, लाइट है, HDMI ईथरनेट ये सब नहीं है इसमें, स्क्रीन अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी तो एकदम एप्पल वाला फील दे रहा है। इसमें लैपटॉप में डिजाइन जो है, जो बिल्ड है, जो डिस्प्ले, सारी चीजें काफी तगड़ी है, पर जो प्रोसेसर है इसमें एक i3 11th जन का डाल रखा है। इसका प्राइस 45,000 रुपीज के अराउंड है और इस प्राइस पॉइंट पे आपको i5 Ryzen 5 भी देखने के लिए मिल जाता है, बट उन सारे लैपटॉप्स में ऐसी डिजाइन, ऐसी बिल्ड तो डेफिनेटली नहीं होगी। एक चीज और हमने फिगर आउट करी, ये वाला Realme GT फोन है और Realme फोन के साथ भाई काफी तगड़ा इंटीग्रेशन रहता है। आपको नोटिफिकेशन में जाके PC कनेक्ट वाला ऑन करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है और आप एक्चुअली फोन को लैपटॉप से भी यूज कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग से रहता है। और खाली यूज नहीं, अगर समझ लो मेरे को ड्रैग करना है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ, फोन से डायरेक्टली कॉपी हो जाता है वायरलेसली। अब हम GTA 5 खेल रहे हैं और एक्चुअली हमने फुल रेजोल्यूशन पे चला रखी है और वो सारी एडवांस चीजें बंद है, बट ये 2K रेजोल्यूशन में काफी स्मूथली चला पा रहा है भाई, वही काफी बड़ी बात है। और डिस्प्ले पे भाई डेफिनेटली भाई गेम के लिए मजा आ रहा है। बेसिकली सीन ये है कि i3 लेटेस्ट जनरेशन का है, उसके बाद रैम भी अच्छी है, SSD पड़ी है, तो एवरीडे गेम्स ऐसे GTA 5 और सारी प्लेबल है लो सेटिंग्स पे, बट अगर आप एकदम हाई एंड गेमिंग करना चाहते हो तो ये वाला लैपटॉप डेफिनेटली उसके लिए नहीं है। एक दो और भी छोटी छोटी चीजें, पावर बैंक से चार्ज जाता है, उसके साथ हमने एक दो और भी चीजें करके देखी, फोटोशॉप चलाया, इलस्ट्रेटर चलाया, प्रीमियर प्रो चलाया और ये सारी चीजें काफी फ्लूइडली चल रही थी, बेसिक फंक्शंस काफी अच्छे चल रहे। अगर एकदम After Effects बहुत ही बेसिक चला पाओगे, वीडियो एडिटिंग करनी है 1080p एडिटिंग हो जाएगी, 4K एडिटिंग नहीं हो पाएगी इसके ऊपर। बट अगर आपको ऑफिस यूज के लिए एक लैपटॉप चाहिए, अगर या फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं या फिर ऐसी कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं या फिर फोटोशॉप भी बेसिक चलाना है, तो डेफिनेटली भाई बहुत ही तगड़ा लैपटॉप रहेगा। या फिर अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं, आपके बैग में जगह कम रहती है और बड़े बड़े लैपटॉप दिक्कत देते हो, तब भी डेफिनेटली काफी अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। मैं एकदम ऑनेस्टली बता दूं, मैंने स्पेक्स देखी थी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट एक्चुअल जब हाथ में आया तो मेरे को डेफिनेटली इससे थोड़ा सा प्यार आ रहा है। और इतना था इस वाली वीडियो के लिए, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।